हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर के बारे में कि जो आपका इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं और इनका इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बताना चाहता हूँ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? आपका जो करंट मेजर करते हैं आप किसी भी सर्किट के अंदर, वो विद द हेल्प ऑफ द एमीटर करते हैं। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और अगर हम वॉट की बात करें किसी भी सर्किट के अंदर, उसकी वॉट मेजर करने के लिए हम वॉट मीटर का यूज करते हैं। सिमिलरली किसी भी सर्किट की अगर हमें एनर्जी मेजर करनी है तो उसके लिए हम एनर्जी मीटर यूज करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर इन जो आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए इनके अंदर यूज किया जाता है फॉर द जो आपका हाई रेटेड करंट जो होता है उसको स्टेप डाउन करने के लिए, या जो आपकी हाई रेटेड वोल्टेजेस होती हैं उसको स्टेप डाउन करने के लिए। क्योंकि हम जो हाई रेटेड आपके ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उनको मेजर करना थोड़ा, उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने में थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए हम जो हाई रेटेड आपका जो करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रही है उसको स्टेप डाउन कर देते हैं। मिनिमम 5 एम्पियर मान सकते हैं आप, और जो उसके मेजरमेंट्स होती है उसकी इजी हो जाती है आपके इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर से। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर आपको बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर क्या होता है? द ट्रांसफार्मर दैट आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हाई रेटेड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर होता है जो कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस के अंदर यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ द हाई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब जो आपके इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं आपके टू टाइप्स के, एक होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को आप कहते हैं CT, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को आप कहते हैं VT, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो आपका दूसरा नाम होता है वो होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और वीसे PT। अब इनका क्या काम होता है आपके करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का? बोथ द ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू स्टेप डाउन द हाई रेटेड इलेक्ट्रिकल करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। अब जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो हम यूज करते हैं करंट को स्टेप अप करने के लिए या स्टेप डाउन करने के लिए। सिमिलरली जो आपके इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर होते हैं ये यूज किए जाते हैं आपके हाई रेटेड करंट या हाई रेटेड वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करने के लिए। और अगर इसकी दूसरी बात करें तो इसके जो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मींस कि जो आपके प्राइमरी में तो आप जितना मर्जी मींस कि मैक्सिमम रेटेड करंट आपका प्राइमरी में फ्लो रहा होगा, आपने उसको सेकेंडरी में जो मेजर करना होता है वो कुछ रेटेड करंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कि इसमें इतना ही रेटेड आउटपुट आ सकता है, आप इतना मैक्सिमम इसमें आउटपुट ले सकते हैं, वो उसके डिपेंड करता है उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो जब हम अगर सीटी की बात करें मींस कि आपके करंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका सेकेंडरी करंट रेटिंग है वो होती है आपकी 5 एम्पियर, और सेकेंडरी करंट रेटिंग ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होती है आपकी 100 से 120 वोल्ट्स। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि आपका करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले मैं आपको इनके अगर फिगर की बात करूँ तो आप इनका फिगर देखिए, ये होती है आपकी कनेक्शन ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में आप क्या देख रहे हैं, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो आपके लोड के साथ करंट है, और सप्लाई वोल्टेज आपकी प्राइमरी में दी गई है, सेकेंडरी आपकी शॉर्ट सर्किट है विद द हेल्प ऑफ द एमीटर, और जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है वो लेस है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और आपकी सेकेंडरी शॉर्ट है। तो इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि जो प्राइमरी होती है इसमें जो वाइंडिंग है वो कम क्यों है और सेकेंडरी को हम शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे प्राइमरी में कम क्यों है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इन सीटी ट्रांसफार्मर, मींस कि करंट ट्रांसफार्मर। अब जो आपका जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपकी क्यों कम है, इसके लिए अगर आपने ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़ा हो तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है ये होती है आपकी आपके ट्रांसफार्मर रेशियोज। तो ट्रांसफार्मर रेशियो में अगर आप देख रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में कम रखेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके प्राइमरी में कम होंगे तो मतलब कि N1 जो होगा आपका कम होगा तो V1 भी आपका कम होगा, मीन्स की जो इनपुट वोल्टेज आएगी प्राइमरी की वो वोल्टेज कम होगी, जिससे
जो इनपुट करंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट का ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्योंकि V2 अपन V1 इक्वल्स टू I1 अपन I2 ये रिलेशन है। तो जिससे अगर आपका वोल्टेज कम होगा, एन एन वन कम होगा तो आपका वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, एन वन कम होगा तो आपका वोल्टेज कम होगा, अगर आप वोल्टेज कम होगा तो आपका करंट ज्यादा होगा इन प्राइमरी। सिमिलरली इन केस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द CT, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है सेकेंडरी में, अगर वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो करंट क्या आपका डिक्रीज हो जाएगा इन सेकेंडरी। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर को करंट डिक्रीज मीन्स के स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसमें अब करंट स्टेप डाउन कर रहे हैं, इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं हम करंट ट्रांसफॉर्मर फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम वोल्टेज के ऊपर बात करें तो वोल्टेज के कंपैरिजन में अगर हम CT की बात करें तो जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा सोचना, या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा डीपली आपको समझ आ जाएगा वैसे टॉपिक। अब हम इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर सेकेंडरी में अगर वोल्टेज बढ़ेगी, स्टेप अप क्या होता है कि आपने प्राइमरी में वोल्टेज कम दी, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ गई, ये होती है आपकी बेसिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ा देंगे तो सेकेंडरी में जो करंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 के रिलेशन से देखें अगर सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। इसलिए जो हमारा CT के अंदर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर मैं आप पोटेंशियल, अगर आपके PT की बात करूं तो PT में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा हो जाते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते हैं, और ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में ज्यादा होने का मतलब वही है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज्यादा होंगे तो वोल्टेज प्राइमरी का ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में कम होंगे तो इसमें वोल्टेज आपका सेकेंडरी में कम हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए होता है कि सेकेंडरी में जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसको स्टेप डाउन करके हम यूज करते हैं, तो ये रीजन होता है आपका PT का। अब इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं ये आप लर्न कर सकते हैं। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इन ऑर्डर टू रिसीव द करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। सिमिलरली जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है इन केस ऑफ वोल्टेज, अगर वोल्टेज के कंपैरिजन में बात करेंगे तो जो आपका CT होता है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है आपका करंट ट्रांसफॉर्मर इन वोल्टेज के अगर कंपैरिजन में बात करें, और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब रेंज जो होती है CT की, रेंज होती है आपसे 1 से 5 एम्पियर, और रेंज ऑफ द अगर आपकी VT और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो होती है 100 से 120 वोल्ट। और यूज फॉर द मेजरिंग करंट एंड कनेक्टेड इन सीरीज, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, अगर आपने अभी जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी उसमें जो आपका ये करंट ट्रांसफॉर्मर होता है ये सीरीज में कनेक्ट होता है लोड के साथ। सिमिलरली आपका जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है ये आपका पैरेलली कनेक्ट होता है आपका लोड के साथ। ये देखिए आपका जो लोड के साथ प्राइमरी वाइंडिंग सीरीज में है, इसमें आपका जो लोड के साथ आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये पैरेलल में है, तो ये है इसका कनेक्शन, ये प्राइमरी वाइंडिंग इसमें सीरीज में होती है, इसमें इसमें होती है। और इसकी जो कोर होती है स्टील, सिलिकॉन स्टील की मिलकर बनी हुई होती है CT की, और इसके हाई क्वालिटी स्टील से मिलकर बनी हुई होती है। द सेकेंडरी ऑफ द CT कैन नॉट बी ओपन सर्किटेड ऑन एनी सर्कमस्टेंसेज व्हेन इट इज एन अंडर सर्विस। अब क्या होता है जो सेकेंडरी ऑफ द इसकी होती है आपकी CT, आप इसको सेकेंडरी जिसमें IS करंट फ्लो हो रहा है इसकी ओपन सर्किट क्यों नहीं रखते, ये इसका दूसरा क्वेश्चन होता है। तो इसके ओपन सर्किट ना रखने का रीजन यही है, अगर आप ओपन सर्किट इसको कर देंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन होता है आपका CT का कि आप इसकी ओपन सर्किट क्यों नहीं रखते, और सिमिलरली आप इसको शॉर्ट नहीं करते आपके प्राइमरी को। इसमें देखिए द सेकेंडरी ऑफ द PT बी ओपन सर्किटेड विदाउट एनी डैमेज बीइंग कॉज्ड बाय द अदर ऑपरेटर और द ट्रांसफॉर्मर। तो ये सेकेंडरी जो आती है आपकी PT की, इसे हम ओपन रख सकते हैं, इसको शॉर्ट नहीं करते, अगर शॉर्ट करेंगे तो आपका क्या है कि सेकेंडरी का जो करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, और अगर सेकेंडरी का करंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसके बीच में क्या होता है कि इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपके जो जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या CT या PT की वो नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। तो ये रीजन होता है इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन द CT एंड PT। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कमेंट में हमें डाल सकते हैं। थैंक यू।